8.2 पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय संबंधी शोध पिछले 200 सालों में ही हुए हैं। अब लोग यह मानने लगे हैं कि पौधों में भी जंतुओं के समान ही कुछ जैविक प्रक्रियाएं चलती होंगी और इनमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। छुई मुई से तो आप परिचित हैं। इसी प्रकार अधिकांश पौधों में सुबह फूलों का खिलना, जबकि रात रानी जैसे पौधों में रात को फूलों का खिलना, कुछ पौधों जैसे इमली की पत्तियों का रात में बंद होना, बेलों का किसी आधार पर लिपटकर किसी विशेष दिशा में मुड़ते हुए बढ़ना आदि क्रियाओं में किसी न किसी रूप में सूचनाओं का संचार होता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पौधों में सूचनाओं का संचार मुख्य रूप से कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स हैं, जो जंतु हार्मोन्स से भिन्न होते हैं। चार्ल्स डार्विन एवं उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के 1870 के दशक से शुरू किए गए कुछ प्रयोगों से हमें पौधों की संवेदनाओं में रसायनों के संचार के बारे में पता चलता है। वैज्ञानिकों ने पौधों में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं में उद्दीपकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों में उद्दीपन को ग्रहण करने वाले केंद्र और उन उद्दीपनों के आधार पर प्रभावित होने वाले अंगों जिनमें परिवर्तन होते हैं के मध्य सूचनाओं का प्रवाह होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रतिक्रिया पौधों में दिखाई देती है। यदि पौधे के तने के शीर्ष भाग पर किसी दिशा से निरंतर प्रकाश मिलता रहे तो उसके विपरीत दिशा की प्रविभाजी कोशिकाओं को मिलने वाली सूचनाओं के कारण कोशिकाओं का अधिक तेजी से विभाजन होता है, जिससे तना एक ओर से झुक जाता है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि पौधों में विशेष रासायनिक पदार्थों के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे उनकी विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। चित्र देखकर बताइए कि किन परिस्थितियों में तने का सिरा प्रकाश की तरफ मुड़ा है, ऐसा क्यों हुआ होगा। इस प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस क्षेत्र में निरंतर हो रहे शोधों से पता चला है कि पौधे प्रायः जल, प्रकाश, ऊष्मा, स्पर्श, रासायनिक पदार्थों आदि उद्दीपकों से प्राप्त सूचनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये सूचनाएं पौधों में उपस्थित विशेष रसायनों के रूप में स्थानांतरित होती है, जिन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। इन रसायनों द्वारा पौधों में स्टोमेटा का खुलना या बंद होना, पत्तियों का गिरना, कोशिकाओं में विभाजन दर का बढ़ना, उनकी लंबाई में वृद्धि, कलिकाओं की वृद्धि, फूलों का खिलना, फलों का पकना आदि होता है। डार्विन वाले प्रयोग में तने के शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। पौधों में पाया जाने वाला ऐसा ही एक हार्मोन जिबरेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। एक अन्य हार्मोन साइटोकाइनिन कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। यह फलों एवं बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपने देखा या सुना होगा कि कुछ पेड़ों के नीचे दूसरे पौधे नहीं उगते। इसका कारण भी एक पादप हार्मोन ही है, जो उन पेड़ों की जड़ों में बनता है और दूसरे पौधों को पनपने नहीं देता। आपने यह अनुभव किया होगा कि एक पका हुआ फल आसपास में रखे हुए अन्य कच्चे फलों को भी पका देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पके फल से निकलने वाला एक रसायन इथिलीन गैस के रूप में आसपास फैलता है और अन्य फलों को भी पकाने में सहायक होता है। आपने कीड़ों और तितलियों को फूलों पर मंडराते देखा होगा। इसका कारण फूलों के स्त्री केसर से निकलने वाला मीठा रस है।
यह मीठा रस एक ऐसा रसायन है जो पराग कणों के लिए उद्दीपक का कार्य करता है। इससे पराग कणों में पराग नलिकाएं बनती हैं, जो निषेचन के लिए बीजांड की ओर बढ़ती हैं, ताकि आगे चलकर फलों और बीजों का विकास हो सके। पौधों में वृद्धि करवाने के साथ साथ उसे रोकने के लिए भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि का दमन करने वाला हार्मोन है। पौधों की पत्तियों का मुरझाना इस हार्मोन का ही प्रभाव है। नियंत्रण एवं समन्वय से ही एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय जीवों के जैविक कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। क्या आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों में कम वर्षा के कारण उस क्षेत्र में पानी की अत्यधिक कमी हो गई। उन मैदानों में हमारे बबुल के पौधे जैसा पौधा पाया जाता है। उस पौधे की पत्तियों में टेनिन नामक पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा सामान्यतः इतनी कम होती है कि पत्तियां खाने वाले जीवों पर इसका कोई असर नहीं होता। एक समय अचानक वहां के हिरण और अन्य कीड़े मकोड़े मरने लगे। परीक्षण करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि उन मृत जीवों की आंत में टैनिन की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह उनकी मृत्यु का कारण बन गई। आगे परीक्षणों से पता चला कि उन पेड़ों की पत्तियों में सामान्य से बहुत अधिक मात्रा में टैनिन था, जिसके कारण उन्हें खाने से जीवों के शरीर में टैनिन की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि वे जीव मर गए। पादप वैज्ञानिकों ने पाया कि पत्तियों में टैनिन की मात्रा के अधिक होने का कारण उन पौधों द्वारा स्वयं को जीवित रखने के लिए पानी के बंटवारे को रोकना था, ताकि टैनिन के प्रभाव से उन्हें खाने वाले जीव तो मर जाएं, किंतु पौधा स्वयं जीवित रहे। वैज्ञानिकों के सामने एक और प्रश्न भी था कि अचानक पत्तियों में टैनिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र के सभी पौधों तक इस सूचना का प्रसार कैसे हुआ होगा। उस स्थान के पर्यावरण का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां के वातावरण में इथिलीन गैस सामान्य से अधिक मात्रा में थी। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पत्तियों में टैनिन की मात्रा को बढ़ाने संबंधी सूचना इथिलीन गैस के माध्यम से एक पेड़ से दूसरे तक पहुंच रही थी।